बच्चों के ये बहुत सारी चीज़ें जुराब वगैरह हर चीज़ का लेदर पुस्टर में जैसे मुलाकात हुई ना ये उस वक्त ना ये इनकी दुकान होती थी लकड़ के ये नहीं ना कुछ लकड़ बाजार से आगे फिर लंडा के शुरू हो जाता लंडा मजा इसको क्या कितने होते थे पूजा के हम बिरयानी शिरयानी खाएंगे फिर चले जाएंगे ये जो ग्रेट के होगी सीना चीने की जो मिर्च मसाले के हमें जाते नहीं मैंने कई दफ़ा खाया अच्छे चौक आ गए यहाँ पे ना संडे की तौर बाजार लगता है। आज आपको ना एक स्पेशल वीडियो एक स्पेशल मार्केट की तरफ लेके आया हूँ। आज संडे तो संडे को मैंने चलो कैसे मार्केट चलते हैं जहाँ पे ना किसी ज़माने में मेरी भी दुकान हुआ करती थी। ये तकरीबन 2010 की बात है जब मेरी यहाँ पे दुकान हुआ करती थी। उस वक्त खैर ये मार्केट इतनी मशहूर नहीं हुई थी, बाद में ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई। उस वक्त दुकान का किराया भी इनका ना स्टॉल वगैरह मिलता था वो भी सस्ता ही था। ये बोर्ड वाला चौक है जी कैम के साथ ही इम्पोर्टेड जितने भी सामान है ना बनियान जर्सी जैकेट जूते वगैरह पेंट है शर्ट है यह सबको मिलेगी। ये मुख्तलिफ प्रीमियम पे ना मुख्तार चीज़ अलग-अलग रेट है तो आपको दिखाते हैं हमारे साथ। काफ़ी दूर तक रेडी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये देखो पेंटें वगैरह यहाँ से आपको मिलेगी, जो चीज़ आपको चाहिए ना यहाँ से मिल जाती है आपको। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि कुछ जगह पे ना मैं वैसे रश की वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता। ये भी मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ जो शेड कंट्रोल जो मार्केट है ना वो आपकी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ना जो टोपी वगैरह बच्चों के ये बहुत सारी चीज़ें जुराब वगैरह हर चीज़ का लेदर आपको स्टार मिलेगा। ये देखो ये बर्तन वगैरह जो छुरी वगैरह आपको चाहिए इम्पोर्टेड लाट में आते हैं ये आप देख सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं आगे ब्योर ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी के स्टाल वगैरह लगे हुए। एक स्टाल का ना यहाँ पे अभी मेरे हमें 6,100 रुपये किराया है तो वो एडवांस लेदर देना पड़ेगा। ये एक अजीब सी मार्केट है ये आप देख सकते हैं, ये घड़ियों का भी है घड़ी वगैरह बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। आपको ना तैयार कपड़े जो इम्पोर्टेड वो भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे नदीम होते थे वो छोड़ के चले गए, नदीम होते थे यहाँ पे बैठे हुए नहीं वो तो नहीं बैठे थे अभी। क्या रहे ठीक हो? मैं वो कार इधर पहले मेरे भी एक दुकान थी ना गुरु से यहाँ पे लैपटॉप वगैरह में सेल करता था फिर ये कोने पे वो नदीम भाई बैठते थे यहाँ पे वो मुझे जिसके थे वो नदीम के क्या नाम था मैं भूल गया थोड़ा सा नहीं इस जगह पे होते नहीं हाँ हाँ वो छोड़ गया। अच्छा जब कर रहे हो ये सारे ये इनमें से निकले ये कि नहीं ये नया माल है अभी नहीं आ रहा वो पहले तो आता था बहुत ज़्यादा अब नहीं हो चीज़ इस मार्केट में। ये मेरी दुकान थी ना वो उस वक्त मेरा एक दोस्त था तो फोत हो गया उनको जन्नत नसीब करे साजिद कोकर इकबाल टाउन के रहने वाले थे। उनका एंटीक का बड़ा शौक था, एक तो वो ना जो बाहर इम्पोर्टेड जो चीज़ें आती थी ना उनमें से ना वो चम्मच वगैरह देखते थे जो चांदनी के होते थे ये वो उस पर नंबर लगा होता है तो मैं वो नंबर भूल गया उनको खास महसूस हुई उनके नंबर होते हैं ना उस नंबर से वो पहचान लेते थे। तो वो आसे ना वो फिर 200-250-300 हर बंदे को तो पता नहीं चलता था कि ये चम्मच चांदी के वो फिर ले लेता उनका फका भी सर उन्होंने जमा किया था ठीक का उसको बहुत ज़्यादा शौक था। घड़ी उनका भी था जो रोलेक्स वगैरह पुरानी घड़ियाँ हैं उनका भी उसको बहुत शौक था तो उसने भी दुकान मुझे कह रहे थे उसने ले ली थी फिर मुझे फिर दे दी कि अरे यार बैठो फिर मैं फिर कुछ अर्सा बैठा रहा इस पर फिर मैं छोड़ के चला गया और लौट चला गया उधर फिर दुकान बना ली। ये आप देख सकते हैं ना ये पेंटे वगैरह ये देख लेना ये बर्तन और
ठीक हो? हाँ शुक्र। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। कितना अरसा हो गया होगा तकरीबन? 4 साल हो। ये जो मैं हमारे चाचा जी से मुलाकात हुई ना, ये उस वक्त ना ये इनकी दुकान होती थी लकड़ के, ये बर्तन वगैरह होते थे ना उसका काम करते थे। अब तो खैर इन्हें नॉन स्टिक वगैरह इसका काम शुरू किया हुआ है। पहले इसके अड्डा भी ना दूसरी जगह पे लगा हुआ था, उसको काफ़ी नुकसान होता, अभी दोबारा उसने शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं भी जूते वगैरह का मार्केट सेंटर में जूते, ये आप नए भी मिल जाते हैं और पुराने भी आपको मिल जाते हैं। ये देखो सारे लाटके बहुत ज़्यादा, लाटके बहुत ज़्यादा होते हैं इस पर, मगर ये महंगे बहुत होते हैं। अगर आप बच्चों का भी लें ना कुछ जूता, तो 1000-1200 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा। ये अंदर जो स्टॉल लगे होते हैं, एक तो अच्छे होते हैं, ये ज़रा साफ़ सुथरे होते हैं ज़रा, हाँ। लाट भी ना अच्छी होती है इनकी, बाकी डीरों पे लगे तो थोड़ा सा उनकी हालत ज़रा खस्ती सी होती है, वो फिर सस्ती होती है। ये पेंट वाली ना दुकान है, पेंट की जो बेल्ट वगैरह ना, यहाँ से मिलेंगे आपको पेंट वगैरह, बेल्ट वगैरह वो दिखाते हैं। ये अंदर वाली शेड, ये शेड के अंदर ही है, ये एक ठेकेदार होता है, इनके पास ठेका होता है, वो किराया इकट्ठा करता है, बिल अलहदा होता है इनका। शुरू में जब आए मुझे भी अजीब सा लगा कि किस तरह की मार्केट है, क्या है सब किताबें। ये देखो ना बच्चों की शूज वगैरह जो है, ये इनके रेडियाँ लगी हुई है, स्टॉल वगैरह जो है, तो ये बड़े अच्छे अच्छे जूते होते हैं इसमें इम्पोर्टेड। जिनको ब्रांड का बड़ा शौक होता है, वो फिर इधर आके ना ये लंडे वगैरह जो ना लाट वगैरह माल होते हैं ना, उनमें चीज़ें देखते हैं, ब्रांड देखते, फिर वो खरीदते भी हैं। उनको पेंटें भी मिल जाती है हिसाब से, उनको जैकेट जर्सी वगैरह भी मिल जाती है, जूते भी, वो मुख्तलिफ ब्रांड के जो मशहूर ब्रांड होते हैं ना, आम बंदे को पता नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं ज़रा खिलाड़ी टाइप के, वो फिर देख भी लेते हैं, उन पर खरीद भी लेते, सस्ती दामों में खरीद लेते हैं। ये देखो पेंटें वगैरह, ये जर्सी पैंट कोट बास्केट वगैरह बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाती है। मगर अभी ना यहाँ पे ये एक बात हो गई है कि पहले जिस वक्त मैं था उस वक्त वो ज़्यादातर लाट के माल होते थे, अब ज़्यादातर नए लोगों ने रखे हुए फिर वही बेचते हैं। अब मैं ज़रा फिर बाहर निकल आया हूँ, बाहर वाली साइड से ना, ये आप देख सकते हो, अब ये मार्केट से निकलेंगे, फिर अभी मेरी भूख भी लगी थोड़ा कम ना कर, चलो फिर निकलते। ये देख लेना बहुत सारे, ये देखो मोटरसाइकिल स्टैंड भी लगी हुई है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए फैमिली के साथ, तो ये संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है पूरी रात। ये देखो थोड़ा सा सड़क जो रोड है उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ये सामने जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये जी कैम की। अब हम ज़रा जा रहे हैं स्टेशन नवलखा डंडा बाज़ार उस तरफ, वहाँ पे हमने देखना है कि उधर उसी होटल अगर उधर खुला होगा तो उधर हमने खाना शाना खाना है, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। ये भी हम पैदल ही जा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त भी हो जाए, गाड़ी शाड़ी हमारे पास तो है ही नहीं, ये तो ऑटो रक्षा पकड़ेंगे, ये पैदल ही जाएंगे। तो मैंने और नासर जो मेरे साथ दूसरा दोस्त है मेरा, जो मैंने कहा चलो पैदल ही चलते हैं, ये पैदल हम जा रहे हैं उस तरफ ही। ये लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने ना पान वाली मंडी है, जो ये पान की मंडी है आप देख सकते हैं, ये हो गया अपने पान के पत्ते वगैरह, जो इधर ना पान के जितने भी होते गुटखा वगैरह जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है, मुझे नहीं पता क्या क्या इस्तेमाल होता है क्योंकि हम तो कभी खा ही नहीं है पान, ना हमें पता है। ये उसकी मार्केट पान मंडी उसको कहते हैं। ये देख लेना ये बैठे हुए लोग बेच रहे हैं, एंटर हो गया उन्होंने लवक का बाज़ार जो ना रेलवे स्टेशन है लक्का बाज़ार, अब उसके अंदर मैं एंटर हो गया हूँ। आगे हम जब देखते हैं अगर वो उसे होटल अगर खुला होगा तो उधर हम खाना शाना खाएँगे, यहाँ पे बैग वगैरह जो पान वगैरह बहुत सारी चीज़ें, अब ये नई चीज़ आपको मिलेगी यहाँ से मार्केट जो ना, यहाँ पे बैग वगैरह का बहुत अच्छा, जूतों वगैरह का भी बहुत शॉप है, हर चीज़ आपको मिलेगी, होलसेल की दुकानें बहुत सारी हमारे पास। जोड़ के जो दोस्त वगैरह ने पठान भाई ना, वो काफ़ी सारे यहाँ पे इनके कारोबार है होलसेल, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, मैं उनको जानता हूँ सबको। तो ये देखो ना ये टप्पा वगैरह की दुकान है, होलसेल की दुकान है।
यहाँ पे दो मार्केट, दो बाजार है यहाँ पे, एक एक नुलक्का बाजार का है, एक फिर लंडे का। ये देखें, ये लंडे वाले साइड पर हम आ गए ना, ये लंडे वाले साइड हम गए थे उधर, वो उसी होटल में कर वो पानी भाई थे वो छोड़ के चले गए, होटल बंद हो गया। उधर भी जूतों वगैरह की दुकानें वगैरह बनी हुई जो उसको काम करते चाइना का इम्पोर्टेड जूता जो है ना चाइना का, उनकी दुकानें वगैरह बनी थी। फिर हमने फैसला किया कि चलते हैं जो ना दिल्ली दरवाजे के आगे जो ना लाहौर क्रॉस था, वो चिकन वाले ना, उधर जाके बिरयानी खाएंगे। तो हम जा रहे पैदल ही उसी तरफ, अभी निकलेंगे बाहर, ये दिल्ली गेट वाली साइड। तो ये आप देख सकते हैं, ये लंडा का जो लंडा बाजार से आगे फिर लंडा का जैसे लंडा बाजार इसको कहते हैं, इधर पे होलसेल वाले काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं लंडे का। फिर दूसरा देखो, इधर भी काफ़ी रश लगा हुआ है लोगों का लंडे को ना। वैसे भी ये रेडियो वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाती है लोग, अभी आपको पता है ना महंगाई बहुत हो गई थी, लंडे की चीज़ ज़रा सस्ती मिल जाती है इम्पोर्टेड जो है, ये लोग इसमें से देखते। फिर वो एक फिक्स रेट होते हैं, 200-200 रुपये, 300-400, 500 रुपये में ना वो देते हैं, माल के हिसाब से होते हैं, जिस तरह का माल उस तरह का चीज़ उस तरह की कीमत होती है। यहाँ पे ना आपको जो कंबल वगैरह रजाई वगैरह आपको मिलेगी यहाँ से। हम ये दिल्ली दरवाजे की तरफ आ गए, लेकिन सामने आपको नजर आ रहा है दिल्ली दरवाजा है। तो दिल्ली दरवाजे थोड़ा सा आगे जाएंगे मस्जिद उदर खान आएगा, उसके साथ ही ना वो मस्जिद उदर खान का जो चौक है ना, उसके साथ ही वो लाहौर क्रॉस होकर चिकन वाले दुकान है, शॉप है, होटल है। दूर जाके हम आपको बिरयानी शिरयानी कराएंगे, उसके बाद जब वापसी आप मेरा आपको कदम सारे फिर उधर चले जाएंगे। जब हम एंटर हो रहे हैं दिल्ली गेट के अंदर, शाही की दरगाह भी इसको कहते थे, ये लाहौर लाहौर स्टोर की ना उन्होंने कुछ थोड़ी सी गाय हुए ना, ये जो डेकोरेट किया उसको। ये दिल्ली दरवाजे के पास बाजार मार्केट है, ये वो ये लोग रहते हैं ना वाले वाले सेल वाले के, इन्होंने ये रक्षे बनाए हुए जाते लोग सेल वगैरह के लिए करते हैं, उसमें बैठ के इनको घुमाते हैं बाजार में। आप देख सकते हैं ये ऑटो रक्षा जो है किस तरह उन्होंने डेकोरेट किया, किस तरह बनाया है, देखते हैं। बहुत सारे खड़े होते हैं पैसे लेके ना आपको लेके सकते हैं शहर। तो ये जाओ बिरयानी चिकन रोस्ट, ये दुकान है जिस तरह अपने लेग पीस, सीना पीस और चिकन कबाब जो है ना आप मीठे चावल होते हैं। यहाँ पर हम आ गए, ये ना आज अगर आपने लेग पीस लेना 310 रुपये का देते हैं, अगर आपने लेग पीस वाली फुल बिरयानी करनी है तो 550 रुपये के देते हैं। सीनी वाली होगी, सीना चीनी की होती है ना इसमें, जो मेरे ख्याल में 600 रुपये में देते हैं। तो साथ एक चिकन कबाब होते हैं, मीठे चावल होते हैं, ये चटदार होते हैं। हम तो खैर नीचे मिर्च मसाले के हम इतने अधी नहीं होते, कभी कभार खा लेते हैं। ये यहाँ से हम लेंगे और खाएंगे, मैंने कई दफ़ा खाई, ऐसे अच्छी होती है यहाँ पे। कितने का मिलेगा? अब हमने ऑर्डर दे दिया, हमारी बिरयानी वगैरह भी आएगी, हमने बैठ के इधर ही खाना है। पार्सल बन रहा है किसी का, ये आ गई हमारी बिरयानी, बड़े चस्केदार मसाले वाली होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Thank you.